हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज हम आपको कान्हा जी की ये पोशाक बनाना सिखाएंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल पोशाक है। बहुत कम सामान के साथ में, बहुत इजी वे में मैं आपको इसे सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बनाना सीखना है तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोशाक बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग में से 9x9 का एक पीस कट कर लिया है। अब हम इसे अपने कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। आयरन की हेल्प से ये बहुत ईजिली पेस्ट हो जाएगा। चलिए तो कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसको कपड़े पर पेस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से चारों साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसको चारों साइड से फोल्ड कर दिया है। इस पोशाक को बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा ट्राई करें तो। बहुत इजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने ये लेस ली है, इसको इसके चारों साइड में हम लगा देंगे। देखिए इस तरीके से लगाएंगे, जहाँ पर कोना आएगा वहाँ पर एक प्लेट डालेंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड में ऐसे घुमा देंगे इसको, फिर कॉर्नर पर प्लेट डालेंगे, प्लेट डालकर फिर लगा देंगे दूसरी साइड में। इस तरीके से इसके चारों साइड में हम इसको फिक्स कर देंगे। चलिए तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके चारों साइड मैंने ये लेस लगा कर तैयार कर दिया है। अब हम इसमें कमर कट करेंगे। कमर कट करने के लिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ नोक वाली साइड में कमर का निशान लगा देंगे। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगाना है, दो निशान लगा लिए। अब यहाँ गोलाई कर देंगे और इस निशान को कट कर देंगे। इस निशान को कट करने के बाद हम इसको आगे से ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये आगे से ओपन हो गया। अब यहाँ पर टिश्यू रिबन की हेल्प से इसको लॉक कर देंगे और यहाँ कमर पर नेफा लगा देंगे। चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इसको आगे से लॉक करने के बाद में पर नेफा लगा दिया और बांधने के लिए डोरी भी डाल दी। नेफा लगाना और आगे से लॉक करना मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता रखा है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और उसे लगाना सीख सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए ये गोटा फ्लावर और ये फ्लावर का यूज़ करके एक बहुत अच्छा पेंच बनाया है। चलिए तो आपको भी बताती हूँ कैसे मैंने ये पेंच बनाया है। पहले हम नीचे गोटा फ्लावर लगाएंगे इस तरीके से, इसके ऊपर हम ये फ्लावर लगा देंगे और ये देखिए, ये ब्यूटीफुल पेंच बनकर तैयार हो गया है। कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइड भी ये पेंच लगा दिया है। अब हमने ये स्टोन चेन ली है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे इधर लगा लेंगे और ऐसे ही इधर लगा लेंगे। चलिए तो लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये स्टोन चेन लगा दी है। इसके साथ में मैंने ये चोली बनाई है। चोली बनाना मैंने आपको पहली वीडियोस में सिखा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको चेक कर लें और चोली बनाना सीख लें। तो फ्रेंड्स, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।